सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैं उधर से व्लॉग करते हुए आ रहा था, बट मेरा गोप्रो जो है हैंग हो गया था। पहली बार हुआ है, मतलब दूसरी बार हुआ है हैंग। एक बार सुपर बाइक वाली राइड पे हुआ था। और बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और ये रही मेरी गाड़ी, और ये रहा मेरा थोड़ा सा लुक, आप अगर देख लो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हैंग हो गया था, तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग। सो गाइस, इससे पहले मेरा गोप्रो जो है हैंग हो चुका था, उधर से मैं क्या मस्त व्लॉग करते हुए आ रहा था यार, क्या मस्त मस्त व्यू थे। बट कोई दिक्कत नहीं, हैंग हो गया तो हो गया, आगे बढ़ेंगे भाई। क्यों एक ही चीज़ के पीछे हट के रहना भाई, इसी लाइफ में मूव ऑन करो और आगे निकलो भाई। और चलो, और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से देहरादून के लिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई आप, क्या मस्त ऑफ रोडिंग, क्या लैंडस्लाइड हुआ हल्का हल्का, बट इतना छोटा छोटा तो कोई दिक्कत नहीं। अब यार रोड ब्लॉक तो नहीं हो रही होगी? भाई रोड ब्लॉक हो रही है, बाइक जाएगी ना भाई? मुझे लगा रोड ब्लॉक हो रही है, बट कह रहा बाइक चले जाएगी तो ये अच्छी बात है, चले जाए तो, ताकि मैं निकल जाऊं। जाने नहीं दे रहे क्या? बाइक स्कूटी भी नहीं निकल रही? ले गया था एक, पुलिस वाले ने मना करते भी ले गए, अभी वो आ गया, खुलने लग गया आगे। सो गाइस, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही मलबा रखा है भाई, और जेसीबी शायद अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है भाई। मुझे पहले पता रहता तो मैं उधर वाले रास्ते आता, बट मुझे पता ही नहीं था यार यहाँ पे से टूटा है वो पूरा। जा तो रहा है शायद वो जेसीबी वाला। सो गाइस, तो गाइस वो रास्ता तो खुलेगा नहीं वाला भी, और जो जेसीबी लगी है वो उसने भी आगे आना है, वो सफाई करने वाली जेसीबी नहीं है। और जो रास्ता थोड़ा बहुत बना हुआ था उस जेसीबी ने, वो रास्ता भी ख़राब कर दिया। काश मैं पैदल चल के ना गया रहा था, मैं सीधे गाड़ी डाल देता तो मैं वहाँ पे से निकाल सकता था, बट अब मुझे उधर वाले रास्ते जाना है, तो भाई अब मुझे 20-25 किलोमीटर लंबा पड़ने वाला है भाई ये रास्ता फालतू का, बट क्या कर सकते हैं, निकलना है फिलहाल। सो गाइस फाइनली भाई, भाई मुझे इतनी हंसी आ रही है ना खुद पे इस टाइम पे, फाइनली मैंने कर दिया है नंद प्रयाग क्रॉस। सोच रहे हो, मुझे एक घंटा लग गया भाई ये करने हैं, क्योंकि उधर की रोड भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है, बट यह कि मुझे खुदी भी मिली तो भाई मैं निकल गया, बट कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई मैं 7 बजे का निकला हुआ था, 9:04 तो मेरे यही हो गए भाई, अब मैं क्या करूँ गाइस। मम्मी बट कोई दिक्कत नहीं, अब धीरे धीरे चलते हैं और आगे देखते हैं कहाँ पे क्या मिलती है रोड का सीन भाई। पर मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँचेंगे आज 4-5 बजे तक। सो गाइस, इसी के साथ मैं पहुँच चुका हूँ धारी देवी, और रुद्रप्रयाग से मुझे यहाँ पहुँचने में लगे हैं मात्र 32-33 मिनट, क्योंकि 10:38 हो रहा है अभी। जय माँ धारी देवी, अपनी कृपा हम सभी बनाए रखो, जय हो। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई पहुंचने वाला है श्रीनगर बस 5-10 मिनट में। मतलब स्पीड मैंने उतनी भी कम नहीं रखी है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे मैंने उतनी ज़्यादा भी नहीं रखी हुई है भाई, मतलब डिसेंट है। तो भाई जिसी के साथ फाइनली मैं पहुंचूंगा ऋषिकेश बड़ी मुश्किल से। और भाई एक बात बताऊं मैं तुम्हें, रुद्रप्रयाग के बाद ऐसी गर्मी हो रही है पूछो, मतलब भयंकर ही गर्मी है भाई। इधर साइड अभी थोड़ी देर पहले बारिश तो हुई है, मतलब यहाँ तो नहीं पर शिवपुरी साइड तो हुई है, ठीक है इधर की, क्योंकि रोड गीली गीली तो दिख नहीं रही, बट नमी दिख रही है।
थी, बट उधर साइड हुई थी बारिश तो उधर का मौसम हल्का ठंडा था। और एक सच बात बताऊँ भाई, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है और मेरे को भयंकर भूख लग चुकी है। बट अब मैं सोच रहा हूँ इसी से देहरादून ही रुका जाए यार, क्योंकि अब मेरी रुकने की बिल्कुल इच्छा नहीं है इस वजह से। फाइनली गाइस, इसी केस को करते हैं बाय बाय। और ट्रैफिक नहीं मिला मुझे क्योंकि भाई आजकल बरसात है तो भाई राफ्टिंग वगैरह होती नहीं है। तो भाई अगर हम देखें तो भाई राफ्टिंग कितने कर लोग करने आते हैं, कि भाई आज बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था और जब राफ्टिंग होती है तो तब तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। और पता नहीं क्यों चौथे गियर से पाँचवें गियर में जाने में, तीसरे से चौथे गियर में जाने में भाई इसका क्विक शिफ्टर वर्क नहीं करता, बाकी हर गियर में कर रहा है। जैसे कि अभी देखा है ये, इधर बारिश हो रही है भाई शायद आगे, क्योंकि यहाँ पे भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है भाई। वो सामने वाले बंदा तो भैंस के हटने के लिए राजी नहीं सके भाई। पर एक बात है, ऋषिकेश क्रॉस करते ही भाई जो ये देहरादून की रोड में खील आनी शुरू होती है ना भाई, तो गाइस अभी पहुंच चुका हूं मैं टोल पे। मेरा ग्लास बहुत गंदा है भाई और ट्रैफिक भी आज अच्छा खासा दिख रहा है मुझे, खास करके बाइक वालों का। भाई अगर पैनिक ब्रेकिंग करना होगा ना तो आगे वाला ब्रेक मेरा साथ नहीं दे रहा है। कावड़ यात्रा, बड़ी रिस्पेक्ट है यार मेरी इनको देख के ना भाई, कावड़ वालों को देख के भाई दिल से, जो ये लेके जाते हैं ना जल, गंगा जल भाई, इनको देख के तो बड़ी रिस्पेक्ट है भाई बहुत। ये देखो इनको देख के माँ कसम दिल से ना बहुत रिस्पेक्ट निकलती है भाई, बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति है भाई ये। देखो भाई ये बच्चा है अभी और कितना पानी उठा रखा भाई उसने, तो क्यों नहीं होगी इनको देख के रिस्पेक्ट भाई।